नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जन अधिकार न्यूज। पल पल की खबरों पर नजर है और इस वक्त मैं आपके साथ हूं ज्ञान कुमार दीक्षित, सबसे बड़ी खबर के साथ। सिधौली, गोपालपुर के मुकेश के पॉजिटिव पाए जाने के बाद इसके संपर्क में जो 38 लोग आए थे उनकी रिपोर्ट जांच के लिए भेजी गई थी, जो आज नेगेटिव आई है। ये खबर राहत भरी है। इसमें एक लोग पहला ग्राम सभा का है, 8 लोग पेशिया ग्राम कसमंडा ब्लॉक के हैं और 29 लोग गोपालपुर तथा उसके आसपास के लोग हैं, जिन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन के लिए रखा गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक ने बताया कि हमारे जैसे ही उच्च अधिकारी आदेश करेंगे इनकी दोबारा जांच कराई जाएगी। ये जो रिपोर्ट आई है यह सभी क्षेत्रवासियों के लिए राहत भरी है। इससे पहले भी जो 55 लोगों की जांच कराई गई थी वे भी ही नेगेटिव आई थी। लैब टेक्नीशियन के संपर्क में आए 38 लोगों की जांच की रिपोर्ट आई नेगेटिव। रिपोर्ट गुरप्रीत सिंह, सिधौली, सीतापुर। आज हमारे बीच में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक श्री आर के वर्मा जी उपस्थित है। आइए इनसे जानते हैं जो 38 लोगों की रिपोर्ट आनी थी उनका क्या हुआ। जी सर बताइए। हमारे यहाँ जो अभी 38 लोगों की जाँच हुई है उसमें सभी लोगों की रिपोर्ट आ गई है, वो सभी लोगों की रिपोर्ट निगेटिव है। इससे पहले जो 55 लोगों की जांच कराई गई थी वो भी निगेटिव है। तो इस प्रकार से जो भी हमने सारी जांचें कराई हैं अभी तक वो समस्त जांचें निगेटिव आई हैं। ये हम सबके लिए बड़ी राहत भरी खबर है। और अभी ये जो लोग हैं वो 14 दिन तक क्वारंटीन में हैं। और अगर जो उच्चाधिकारियों का कुछ आदेश मिलेगा या उनसे जैसी भी जानकारी मिलेगी इनकी दोबारा जांच होनी है कि नहीं होनी है, तो अगर जो दोबारा जांच के लिए कहा जाता है तो फिर इनकी पुनः जांच कराई जाएगी। सर कहाँ कहाँ के लोग थे इसमें? जो है 8 लोग पैसिया ग्राम सभा जो ब्लॉक कसमंडा के हैं, एक ब्लॉक पहला का है, और बाकी के जो 29 लोग हैं वो हमारे यहाँ गोपालपुर और नज़दीक के इधर उधर के लोग हैं जो उसके लैब टेक्नीशियन के कांटेक्ट में आए हुए लोग हैं। इन्हीं की जांच तो नेगेटिव है सर? इन सब की जांच नेगेटिव है। इसी तरह खबरों को पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पावर ऑफ जन अधिकार न्यूज़।